A very fresh good morning to all of you. Today in class 2 subject maths, आज के इस वीडियो में बच्चों हम इवन एंड ऑड नंबर्स सीखेंगे. सो सब लोगों ने टेक्स्ट बुक ओपन रखी है बच्चों. जिन लोगों ने नहीं रखी है तो वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 19 ओपन करेंगे. उसके अंदर आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा. So let's start. Put as many dolls as number in the boxes. आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में है. बॉक्स है और उसके नीचे नंबर है. आपको जितने नंबर लिखे हैं उतने डॉट्स लगाने हैं. जैसे वन नंबर है तो वन डॉट है, टू नंबर है तो वन के बाजू में ही मतलब कि उसी के पास में टू डॉट लगाने हैं. फिर थ्री नंबर है तो ऊपर एक डॉट एक्स्ट्रा किया है. उसके बाद फोर तो फोर डॉट लगाने हैं इस तरह से. फिर फाइव नंबर में फाइव डॉट कुछ इस तरह से लगाने हैं. सिक्स नंबर में सिक्स डॉट करने हैं. सेवन नंबर में सेवन डॉट लगाने हैं. एट नंबर में एट डॉट लगाने हैं कुछ इस तरह से. नाइन नंबर में नाइन डॉट इस तरह से लगाने हैं बॉक्स के अंदर एकदम प्रॉपरली दिखे उस तरह से. और टेन नंबर में डॉट लगाने हैं इस तरह से. सबको पेंसिल से ही डॉट लगाने हैं, ठीक है? कोई कलर पेंसिल का यूज नहीं करेगा. अब ये जो डॉट है उसमें सारे डॉट जो है उसमें उसकी पैर बन रही है. पैर मतलब कि जोड़ी, दो दो डॉट की पैर बन रही है. अब कौन कौन से नंबर में एक डॉट अकेला है, सिंगल है कि जिसकी पैर नहीं है. सो लेट्स काउंट. वन नंबर उसका कोई पैर नहीं है. थ्री नंबर, थ्री में देखो ऊपर एक सिंगल डॉट है. उसके बाद फाइव नंबर, फाइव नंबर में भी एक सिंगल डॉट है ऊपर. उसके बाद सेवन नंबर में सिंगल है, एक लास्ट वाला जो डॉट है वो सिंगल है, बाकी सबकी पैर बन गई है. पैर मतलब जोड़ी. नाइन नंबर में एक लास्ट वाला बॉक्स खाली है और एक ही डॉट सिंगल है. समझ में आ गया? अब वन नंबर, थ्री नंबर, फाइव नंबर, सेवन नंबर और नाइन नंबर, उसमें जो लास्ट वाला डॉट है उसका कोई फ्रेंड नहीं है, वो डॉट अकेला है. तो जिसकी कोई पैर नहीं बन रही है वो ऑड नंबर है. यानी कि वन, थ्री, फाइव, सेवन एंड नाइन है वो ऑड नंबर. और बाकी के जो नंबर है जैसे कि टू, फोर, सिक्स, एट एंड टेन, दे ऑल आर इवन नंबर्स. नाउ कलर द बॉक्सेस दैट हैव डॉट्स इन पेयर. दे आर टू, फोर, सिक्स, एट एंड टेन. अब जहां पर हमने डॉट लगाए थे ना उसको आपको क्या करना है, कलर करना है. लेकिन अब कलर नहीं करेंगे आपको, क्योंकि फिर कलर कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा. आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि टू, फोर, सिक्स, एट एंड टेन नंबर जो है वो है इवन नंबर. इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी पुट इन पेयर्स. जो भी ऑब्जेक्ट पैर में है, पैर मतलब जोड़ी में, पग वाला पैर नहीं बच्चों, जिसकी पैर बनती है वो इवन नंबर है. एंड द नंबर्स वन, थ्री, फाइव, सेवन एंड नाइन कैन नॉट बी पुट इन पेयर्स. अब जैसे कि हमने देखा वन नंबर में, थ्री नंबर में, फाइव नंबर में, सेवन नंबर में और नाइन नंबर में जब डॉट लगाए थे तो लास्ट का एक डॉट बच रहा था, उसका कोई फ्रेंड नहीं बना था, तो वो सारे ऑड नंबर है. क्योंकि उस नंबर, वो जो नीचे जो नंबर थे उतने हमने डॉट लगाए थे और उसमें एक एक सिंगल था. तो ये जो नंबर है वन, थ्री, फाइव, सेवन एंड नाइन कैन नॉट बी पुट इन पेयर्स. दिस आर ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी पुट इन पेयर्स. समझ में आ गया बच्चों? अब इसके ऊपर हम एक्सरसाइज करते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2020 आप ओपन कीजिए. एक्सरसाइज 1E. रिंग द ऑब्जेक्ट्स इन पेयर्स टू फाइंड आउट वेदर दे आर इवन और ऑड एंड देन काउंट एंड राइट द नंबर्स इन द करेक्ट कॉलम. आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं और एक साइड में इवन एंड ऑड नंबर लिखा है. बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे कि
ए में बॉल दिए गए हैं, तो टोटल बॉल कितने हैं वो पहले तो हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब 9 नंबर है वो इवन है कि ऑड है, वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो उसकी पेयर बनाएंगे, दो बॉल काउंट करके उसके ऊपर सर्कल कर देना है, बाकी के दो बॉल है उसको काउंट करके सर्कल करना है, बाकी के जो है फिर इस तरह से पेयर में काउंट करते जाना है और सर्कल करते जाना है। अब देखो यहाँ पर हमने सर्कल किया तो लास्ट का जो ब्लैक वाला बॉल है उसकी कोई पेयर नहीं बनी, यानी कि जो 9 नंबर है वो ऑड नंबर है। अब हम चॉकलेट्स काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चॉकलेट्स है वो टोटल 10 है। अब हम इसकी पेयर बनाएंगे, देखते हैं, दो की पेयर बनाए, अब ये बाकी के दो की, ये दो चॉकलेट की पेयर बनाई और सर्कल किया, और लास्ट की भी दो चॉकलेट काउंट करके पेयर बनाई। अब कोई भी छूटा नहीं है, कोई भी नंबर, कोई भी चॉकलेट, 10 नंबर जो है वो इवन नंबर है, तो हमें जो इवन की जो कॉलम है वहां पर 10 नंबर लिख देना है, यानी कि 10 नंबर है वो इवन नंबर है। उसके बाद हमें फ्लावर्स काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 नंबर है वो इवन है कि ऑड है वो जानने के लिए हम पैर बनाते हैं, दो दो फ्लावर्स काउंट करके उसकी पैर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने पैर बनाई लेकिन एक फ्लावर है उसकी पैर नहीं है, यानी कि जो 7 नंबर है वो ऑड नंबर है। नाउ एप्पल, चलो काउंट करते हैं, बच्चों आप भी मेरे साथ काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 नंबर जो है वो इवन है कि ऑड है वो जानने के लिए हमने उसको पैर में रखा, कोई भी लेफ्ट नहीं है, यानी कि कोई भी एक सिंगल नहीं बच रहा है, तो 6 इज अ इवन नंबर। नाउ लेट्स काउंट द कपकेक, टोटल 5 कपकेक्स एंड वी मेक इन अ ग्रुप, देर आर 2 ग्रुप्स बट 1 इज लेफ्ट, सो 5 नंबर इज ऑड नंबर, सो वी राइट 5 इन अ कॉलम ऑफ ऑड। Now let's count socks. There are total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now we make a group. Total 4 group. Okay, and there is no left any socks. So 8 is a even number. Bachcho, I hope aap logo ko ye even number and odd number samajh mein aa gaya hoga. आप देख सकते हो यहाँ पर इवन नंबर की जो कॉलम है उसमें 10, 6, 8 नंबर है वो इवन नंबर है, और ऑड नंबर में 9, 7 और 5 है। ठीक है, तो बच्चा कुछ सिर्फ इतना याद रखना है कि 1, 3, 5, 7 एंड 9 है वो ऑड नंबर है, और 1, 3, 5, 7 एंड 9 जिस नंबर के पीछे आते हैं तो वो भी ऑड हो जाते हैं, और 2, 4, 6, 8 एंड 10 है वो इवन नंबर है। समझ में आ गया बच्चों? आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो वापस देख लेना और समझने की कोशिश करना, और अगर फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो आप मुझे फोन करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।